उसने इंजेक्शन दवाई की बोतल टेबलेट गोलियां सब लगा के भेजा पूरे पत्थर पर। जिसको नहीं दिख रहा हो तो वो कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखो उसने इंजेक्शन भी लगाए हैं और दवाइयां भी लगाई हैं और बोतल पे लगाई है दवाई शीशी। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से है, कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही बैठा श्री शिवाय नमः। आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ आ जाइए एक बेलपत्र ले जाना। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे देवदेव महादेव के लिए कहने के लिए। प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलिए पूरे समुद्र का। दो हजार बाईस में पहली बार कथा सुनी जब आप छत्तीसगढ़ भिलाई में कथा करने के लिए आए थे। शिव महापुराण की कथा में आपने कहा था कि पुराण के सम्मुख में पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देवाधिदेव महादेव जरूर देते हैं। गुरुदेव वहां की कथा में मैंने देवाधिदेव महादेव की पूरी कथा को श्रवण करा और वहां से नियम लिया कि शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है। आप जैसा जैसा बताते थे वैसा वैसा हमने किया। शिवालय में जाकर जल चढ़ाते, नंदी के पास में बैठकर शंकर जी को अपने मन की बात कह देते। बाबा आप तो कथा कहकर चले गए, मैं देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करती रही कि मेरी कहीं जॉब नहीं है, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि मेरी कहीं जॉब लग जाए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के ही सरकारी अस्पताल में मेरा बाबा की कृपा से ज्वाइनिंग हो गया और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव आज बाबा की कृपा से आईसीयू में पूरी सर्जरी के समय पर स्टाफ नर्स के रूप में मैं पदस्थ हूं। शायद मुझे भी नहीं मालूम था कि बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे इतनी अच्छी जगह छोड़ेंगे और मेरा जॉब ऐसी जगह लगाएंगे कि जनमानस की सेवा में करती रहूं। गुरुदेव ड्यूटी करते करते भगवान शंकर की आराधना करते हूं। जो भी ऑपरेशन कक्ष में भी अगर कोई आता है तो उसके मुख से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम खिलवाती हूं तो वो इतनी जल्दी ठीक होकर जाता है कि बाबा की कृपा उस पर हो जाती है। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया हूं और बाबा को प्रणाम करती हूं। मेरा एक लक्ष्य भी है गुरुदेव, बाबा अगर चाहेगा और मेरी नौकरी बाबा की कृपा से अच्छी चलती रहेगी तो एक बुजुर्गों के लिए आने वाले समय में वृद्धाश्रम का भी निर्माण करूंगी, ये लक्ष्य लेकर। शिव तत्व लाइन अच्छी है, तेरी कृपा बिना न हिले एक। शिव तत्व अब जरा विचार करिएगा। अभी हमने कथा में कहा जो लक्ष्य लेकर जाता, जो इच्छा लेकर पहुंचते, जो विचार कर पहुंचते, जो सोच कर पहुंचते, जो अपने मन में धारणा कर पहुंचते हो कि मैं शिव महापुराण की कथा में जा रहा हूं, मैं भगवान शंकर की कथा में जा रही हूं, मैं भगवान शिव की कथा में जाकर बैठूंगी, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरी मन की बात जरूर सुनेगा। और दिल से अगर आपने कथा सुनी है जैसी इस बेटी ने श्रवण करी तो बाबा ने इसकी सुनी, अगर दिल से श्रवण करोगे तो निश्चित है मेरा देवाधिदेव महादेव देरी नहीं करता, आपकी झोली भरता जाए। एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी के लिए।
आप दिल से भगवान शंकर से जैसी प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव से अपने मन की बात करेंगे, भगवान शंकर से अपने दिल की बात करेंगे, भगवान देवाधिदेव महादेव उसको श्रवण करता है, उसको अपने हृदय में रखता है। आप कहो अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से। प्रेशर नहीं।